मैडम इतना चिल्ला क्यों रही है, पहले ये बताइए। अरे मैडम चिल्ला क्यों रही है? आपको आपने यही सीखा है हिंदू? सुनो एक बात सुनो, यही सीखा है, यही शिक्षा है, शिक्षा बेरोजगारी इतनी महंगी। रतन लाल जैसे टीचर पढ़ाएंगे तो कहाँ से शिक्षा आएगी? जब रतन लाल जैसे टीचर पढ़ाएंगे तो शिक्षा कहाँ से आएगी? अभी फैसला आना बाकी है। यह देखिए आप किस तरीके से अभद्र टिप्पणी करने वाले ये छात्र, संगी छात्र किस तरीके से देखिए लड़ाई तक करने का उतारू हो गए हैं। मारने पीटने को एक महिला पर किस तरीके से मारपीट करने को उतारू हो गए हैं, ये छात्र नहीं संगी है। आप सामने देख सकते हैं सीधी सीधी तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उनके सामने एक महिला के ऊपर हाथ चला दिया जा रहा है, मारने पीटने तक को उतारू हो चुके हैं। पुलिस वाले खड़े हुए हैं हाथ पे हाथ धर के। ये देखिए संगियों की मानसिकता। मजाक कर रहे हो तुम लोग, प्रशासन खड़ा होकर तमाशा देखता है, जब निपट जाते हैं उसके बाद बात करते हैं। क्या हुआ मैडम क्या हुआ मैडम बताइए ये एबीवीपी के गुंडे यहाँ पर हिंदू हिंदू कॉलेज के बाहर कॉलर पकड़ लिया मेरे, यहाँ से बदतमीजी करने लगे, माइक छीनने लगे, फोन तोड़ने लगे और मुझे यहाँ पर चोट भी आई है। किस तरीके प्रशासन यहाँ पर देख कर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, इनका शिवलिंग पे शिवलिंग को लेकर इनका धर्म धर्म खतरे में आ जाता है, भावना आत हो जाती है, लेकिन महिला के कपड़े खोले जाते हैं, महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, ये सब लोग नहीं देख रहे हैं। ये गुंडे धर्म संसद बिठाई जाती है महिलाओं के कपड़ों को लेकर, तब ये लोग कहीं नहीं जाते, तब लोग सड़कों पर नहीं आते, लेकिन किस तरीके से वो लोग अभी हाथ से भाग कर गए हैं और मैं FIR करने जा रही हूं। मेरे ऊपर तो गाड़ी चढ़ा दी होती है किस तरीके से, और FIR कराकर मैं दंडित, क्योंकि ये लोग बहुत 5000 सालों से जो कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं पिछले कुछ दिन का एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुद्दा रहा, प्रोफेसर रतन लाल का शिवलिंग को लेकर उन्होंने एक इंडिविजुअल टिप्पणी कर दी, उसको लेके लोगों की भावना आहत हो गई। आजकल ना लोगों का सच कहने भर से बहुत भावना आहत हो जा रही है, बस इतना सा ही मुद्दा था।
और जब ये कोर्ट ने बोल दिया है कि किसी एक व्यक्ति की भावना आहत होने का मतलब ये नहीं है कि पूरे समुदाय की भावना आहत होती है। उन्हीं के अगेंस्ट में कुछ संघी लोग वहाँ पर आके नारेबाजी करने लगे, बोलने लगे रतनलाल का खतना होगा, इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करने लगे। कॉलेज की प्रिंसिपल ने हमसे बदतमीजी की, कहने लगी कि आप मीडिया आए और मीडिया को अलाउ नहीं है रिपोर्टिंग का। कॉलेज की प्रिंसिपल ने क्यों बदतमीजी की? क्योंकि कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना था कि मीडिया को अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, आप कवर नहीं कर सकते हैं इस इंसिडेंट को। संघी गुंडे घुसकर नारेबाजी कर सकते हैं लेकिन मीडिया कवर नहीं कर सकती उस चीज को। और आपने सवाल किया मुझसे कि मैं माइक छोड़कर के मतलब इस प्रकार का जो आपने किया वो बड़ा वायरल हो रहा है, तो वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनी क्यों? हाँ, माइक छोड़कर उन्होंने शंभू कुमार सिंह जो मेरे नेशनल दर्शक के संपादक भी हैं और रिपोर्टर का काम भी करते हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं कैमरा कर रही थी। उनके सवाल पूछने पे उनकी भावना आहत हो गई तो वो कैमरा और मेरा फ़ोन छीन कर नीचे गिराने लगे। मेरा माइक आईडी वगैरह सब कुछ गिर गया था, तो फिर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे कॉलर से यहाँ से पकड़ा और उसने बदतमीजी मेरे साथ की। मैं पत्रकार बाद में हूँ, एक इंडिविजुअल महिला पहले हूँ। ये आज़ादी कहीं नहीं है हमारे लिए कि आप संवैधानिक तौर से, असंवैधानिक तौर से माइक छीन कर फेंक दे। आप हमारे सवालों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप जवाब मत दीजिए, लेकिन माइक छीन कर फेंक देना, इस पर तो शांत नहीं रह सकती मैं। अगर वो मारपीट पर उतारू हो रहे हैं, वो महिला का कॉलर पकड़ रहे हैं, तो इसका जवाब देना ज़रूरी था। लेकिन उस इंसिडेंट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि शंभू तो लड़की लेकर घूमता है, शंभू अपने बचाव में लड़की को आगे कर देता है, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। वो मेरा मुद्दा था, मेरा केस था, कोई मेरा गिरेवान पकड़ेगा तो मैं उसको ऐसे नहीं जाने दूंगी। हालांकि ये दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था वहाँ पे, कंप्लेंट वगैरह, हाँ FIR सर मैंने की है, मेरी कोर्ट में भी पेशी हो चुकी है और वो अभी सामने वाली पार्टी नहीं आई। कोई नाम कुछ किस प्रकार? नाम नहीं अभी इतना हाईलाइट हुआ है, लेकिन और वो कॉलेज के नहीं थे, हिंदू कॉलेज के नहीं थे। सोचिए हिंदू कॉलेज के नहीं थे, इस तरीके से वो थार में आते हैं और बदसलूकी करते हैं, मारपीट पे आ जाते हैं। वो तो रिस्पांस मैंने इस तरीके का किया अपने आप को बचाने के लिए, उसका कॉलर पकड़कर मैंने उसे रोकने की कोशिश की कि पुलिस वाले इस केस को हैंडल करें, लेकिन सब प्रशासन, सरकार, यहाँ की हर चीज़ ना मिली हुई है। यहाँ पर आप गुणगान करते रहिए सरकार का तो आप सही हैं, आप आलोचना करेंगे और सरकार को बड़ा डर लगता है आलोचना से, वही जी सवालों से डर लगता है, आलोचना से डर लगता है, और यही वो हम पत्रकारों के साथ कर रही है। कल को आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हुआ, तमाम आए दिन इस तरीके की खबरें हमारे सामने आती हैं। लेकिन आप शेड्यूल कास्ट से अगर आते हैं, पत्रकार अगर आते हैं शेड्यूल कास्ट से आते हैं, महिला पत्रकार ऊपर से शेड्यूल कास्ट, हाँ पत्रकार ऊपर से शेड्यूल कास्ट, तो आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई सोशल मीडिया नहीं बोलेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और यही केस अगर बलिया में आपने देखा होगा किस तरीके से अमर उजाला के पत्रकार के लिए प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और हमारे मुद्दे पे सब कोई खामोश रहता है। आपने कहा कि खामोश रहते हैं, खासतौर से मेनस्ट्रीम मीडिया हो या एक जो संघीय किस्म के जो पत्रकार हैं वो खामोश रहते हैं, लेकिन जो कहा कि वो बाहर से लोग आते हैं, थार में आते हैं, उनको आने दिया जाता है और वो स्टूडेंट भी नहीं होते और पार्ट ऑफ मैं कहूँ कि मतलब कॉलेज भी नहीं है, बाहरी लोग हैं, उनको परमिशन है और आपको परमिशन नहीं है, तो मतलब इसमें इसके पीछे क्या लगता है आपको कि जो शासन प्रशासन है या स्कूल का जो कॉलेज का जो ढांचा है वो जिम्मेदार है? सर बिल्कुल, वो प्रशासन जिम्मेदार है, कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे कौन लोग मौजूद हैं? एकमात्र जाति के लोग। प्रशासन में कौन लोग मौजूद हैं? एकमात्र जाति के लोग। बहुजन समाज के लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे और वही पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। रतनलाल ने क्या किया? रतनलाल की इस देश में हिंदू धर्म से कोई दुश्मनी थोड़ी है, उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी और यहाँ पे इंडिविजुअल थॉट्स रखने का ये आज़ादी हमारा संविधान देता है। लेकिन आप इसको लेके रतनलाल का खतना होगा, आप उसको वहाँ पे हिंदू कॉलेज से निकाला जाए, बर्खास्त किया जाए, ये कहाँ की? रतनलाल के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ डिग्निटी को लेके हो रहा है, आत्मसम्मान को लेके हो रहा है, उनकी जाति के आधार पर हो रहा है। और वही मेरे साथ हुआ, अगर मैं किसी अपर कास्ट से आती, अगर मैं बहुजन क्लास से नहीं होती तो शायद मेरे लिए लाखों आवाज़ें मेरे साथ होती, लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं है। बाकी जो हमारे आपकी तरह जो कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इनफैक्ट इन सब सेंसिटिव मुद्दों पर बोल पा रहे हैं कि आने वाले किसी और निधि रतन के साथ ना हो। फूलन देवी बनने पर अगर आप मजबूर करेंगे तो हमें फूलन देवी बनने में कोई संकोच नहीं है। हम मारपीट की भाषा अगर आप समझना चाहते हैं तो मारपीट से समझाएंगे, क्योंकि बहुजनों को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करके बहुत दबा लिया। कोर्ट में अभी आपका मामला चल रहा है तो आपकी तरफ से मतलब जैसा आपने कहा कि एक बार पेशी भी हो चुकी है, कोर्ट ने जवाब पेश हुई तो क्या किस तरीके का मतलब वहाँ पे आपको लगा कि कुछ उम्मीद जगी कोर्ट से?
कोर्ट से उम्मीद जगी है सर, क्योंकि संवैधानिक तरीके से हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो प्रावधान बनाया है कि अगर कोई आपके साथ बदसलूकी करता है वो आपको तलवार उठाने पे मजबूर करेंगे, लेकिन हमें कलम की ताकत पे अड़े रह रहे हैं और वही ये लोग कर रहे हैं इस तरीके से सांप्रदायिक दंगे और आतत्व तरीके से यहाँ पे उपद्रव तरीके से हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोग आ जाते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि और कौन लोग होंगे, और मैं इनफैक्ट ये भी गारंटी से कह सकती हूँ कि जिस तक ग्रेवान पकड़ा था वो भी किसी कम्युनिटी से ही होगा, क्योंकि हिंदुत्व सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज का ही खतरे में, ओबीसी समाज का ही खतरे में आता है, शेड्यूल कास्ट का ही खतरे में आता है, ब्राह्मण समाज किसी से लड़ता नहीं है, वो आगे करता है लोगों को, और वही हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये कौन से थाने का मामला है, किस थाने में आपने कंप्लेंट कराई? ये मैं दिल्ली पटेल चेस्टे वहाँ पे मॉरिश नगर थाने में मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई है आरोपियों, जो आरोपी थे। अभी तक हालांकि प्रशासन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है और वो लोग अभी पकड़े भी नहीं गए हैं। तो आप थी निधि रतन, मैंने बताया इनके इंट्रोडक्शन में कि नेशनल दस्तक की वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी साथी हैं, आंदोलन की साथी हैं। मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके, और जिस बेबाकी से उन्होंने उस संघी मानसिकता के व्यक्ति का जवाब दिया, और जो उन्होंने अभी भी कहा कि अगर बहुजन समाज के बेटियों को आप पूलन देवी बनने पर मजबूर करोगे तो हम वो बन करके भी दिखाएंगे। पत्रकारिता करना, एक्टिविस्ट होना अलग बात है, लेकिन अगर बात खुद पर आ जाए तो फिर टकराना जरूरी है।